पंजाब सरकार और पटवारियों कानूनगो के बीच कई दिन से विवाद चल रहा है, लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान आज चंडीगढ़ टैगोर थिएटर में टेस्ट पास करने वाले 710 पटवारियों को नियुक्ति पत्र देने पहुंचे। यहां सभी पटवारी कुल 1 लाख उम्मीदवारों में से चुने गए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सभी नवनियुक्त पटवारियों को पंजाब सरकार का हिस्सा बनने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज होने वाला प्रोग्राम पंजाब के आगामी 30-40 साल की बुनियाद रखेगा। इस दौरान उन्होंने नवनियुक्त पटवारियों को एक और खुशखबरी देते हुए कहा कि अब उम्मीदवारों को ट्रेनिंग के दौरान 5,000 रुपये के बजाय 18,000 रुपये प्रति महीना वित्तीय भत्ता मिलेगा, क्योंकि आज के समय में आपको बता दें कि MSc B.Tech व अन्य डिग्री होल्डर के लिए 5,000 रुपये भत्ता ना के बराबर है। अगले 1-2 में से यह भत्ता बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रति महीना किया जाएगा। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विजय बोहरा लाइव जुड़ गए हैं। विजय, आज सीएम मान ने नवनियुक्त पटवारियों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, बता दें संदीप कि आज नवनियुक्त पटवारी जो कि 710 पटवारियों को नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा सौंपे गए। इस अवसर पर माल मंत्री जो थे ब्रह्मशंकर जिम्पा, IAS अफसर और चीफ सेक्रेटरी अनुराग वर्मा भी मौजूद थे। तो काफी बड़ी संख्या में विद्यार्थी के अलावा कई अहम जो पहुंचे थे लोग, 710 पटवारी पहुंचे थे। इनमें एक खास बात देखने को मिली संदीप की किसी भी तरह का भेदभाव इस पटवारियों की नियुक्ति में नहीं देखने को मिला, क्योंकि कोई छोटे तबके के लोग भी थे और कोई बड़े तबके के लोग थे। हालांकि कुछ ऐसे थे जो हैंडीकैप थे, तो व्हील चेयर पे आए थे पटवारी का नियुक्ति पत्र लेने के लिए। तो मुख्यमंत्री ने कई अहम बातें जो है साझी करी पटवारियों के साथ। अब उनकी 1.5 साल के करीब तकरीबन जो ट्रेनिंग चलेगी, ट्रेनिंग के दौरान जो 5,000 रुपया स्टाइपन मिलता था, अब मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद 18,000 रुपया स्टाइपन मिलेगा। तो खास तौर पे बात ये देखने को मिली कि ये जो पटवारी थे, कोई बीएड था, कोई एमकॉम था, कोई एमसीए था, कोई बीसीए था और तकरीबन कई तो इंजीनियर थे। तो ये पटवारी जो है अब पंजाब के लोगों की सेवा करते दिखेंगे, क्योंकि पिछले दिनों कलम छोड़ हड़ताल की चेतावनी जो है यूनियन की तरफ से दी गई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा था कि अब आपकी कलम जो है नए हाथों में देंगे। तो इसी को देखते हुए जो 710 नए पटवारियों की नियुक्ति की गई है, अभी आने वाले समय में 586 और पटवारियों की भर्ती का ऐलान भी कर दिया गया है। संदीप, बिल्कुल विजय जी, जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।